वर्तमान समय में शिक्षा व्यवस्था बहुत सारी अनियमितताएं उसमें पाई जाती है, परंतु अब सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में भी कुछ लोग गड़बड़ी कर अपना फायदा निकाल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बुरहानपुर जिले के स्कूलों में हमारे सामने आया है, जिसमें मध्यान्ह भोजन में कई सारी कमियां पाई गई हैं। आपको बता दें कि स्कूलों में छात्रों के लिए मध्यान्ह भोजन तो बनता है, लेकिन यह भोजन इतना घटिया होता है, घर से टिफिन लेकर आते हैं। यह बनने वाली सब्जी और दाल में सिर्फ पानी होता है, इसमें ना तो दाल का नामो निशान होता है और ना ही सब्जी का। तो आइए इस खबर के जरिए जानते हैं कि किस तरह से स्कूलों में बच्चों को उनकी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। जब हमारी टीम सबसे पहले चौक बाजार कन्याशाला सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में इसकी जांच करने पहुंची, तो देखा गया कि छात्रों के बीच वितरित किया जाने वाले मध्यान्ह भोजन इतना घटिया बना हुआ था कि बच्चों को यह खाना पसंद नहीं आया। आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले में स्कूलों में बच्चों को दिया जाने वाला भोजन केंद्रीय एकीकृत रसोई में तैयार कर स्कूलों में बांटा जाता है, लेकिन अफसरों की मिलीभगत से यहां भी फर्जीवाड़ा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस क्षेत्र में करीब 19,000 बच्चे हैं, जिनमें से करीब 12,000 प्राथमिक शाला और करीब 7,000 माध्यमिक शाला में पढ़ते हैं, जिनके मध्यान्ह भोजन में लूट हो रही है। बच्चों को ना तो मेन्यू के अनुसार भोजन मिल रहा है और ना ही शासन की अनुसार स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है, जबकि ठेकेदार को शासन के अनुसार गेहूं चावल खाद्यान्न मिल रहा है। जो भोजन 6 और 8 रुपए में बच्चों को मिलता है, उसे ठेकेदार महज 2 से 250 पैसे में परोसकर रफू चक्कर हो रहे हैं, यानी हर महीने करीब 15 लाख रुपए उसकी तिजोरी में जा रहे हैं। स्कूल में छात्र संख्या 400 होने के बावजूद महज 30 से 50 बच्चे ही भोजन कर रहे हैं और छात्राएं घर से ही टिफिन लेकर आती हैं। वही प्रभारी प्राचार्य उपस्थित बालिकाओं की संख्या के अनुसार भोजन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शा रहे हैं। यहाँ अधिकांश बच्चे जो है टिफिन खाने से इनकार कर रहे हैं। क्या कारण है? सर, जन भोजन तो मेनू अनुसार आता है, लेकिन पालक जो है वो अपने बच्चों के स्वाद के अनुसार या फिर उनके स्वास्थ्य के हिसाब से, अगर मान लो उनको अभी कुछ बच्चियों के जैसे मौसमी बीमारी के हिसाब से भी वो अपने टिफिन वगैरह भेजना पसंद करते हैं, और बच्चों की रुचि के हिसाब से अपने माता पिता से जिद करते तो जो टिफिन वो भेजना चाहते तो उसमें कोई रोक टोक हमारे तरफ से नहीं है। लेकिन जो मध्यान्ह भोजन है वो मेनू अनुसार आता है और वो शाला से वितरित किया जाता है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यदि इसी को मध्यान्ह भोजन का भी रुचिकर बना दिया तो बच्चा दिक्कत भोजन करेंगे। ये जो बनता है एकीकृत शेड में बनता है और उसकी मात्रा भी अधिक होती है, और उसके हिसाब से और बच्चों के स्वास्थ्य के हिसाब से वो तेल मसाले की लिमिट में ही यूज करते हैं कि ज्यादा तेज ना हो जाए, ज्यादा तीखा भी बच्चा नहीं खाते है, तो उसके अनुसार वो उनके हिसाब से जो बनाते हैं सर वो हमारे पास जो आपकी स्ट्रेंथ करीब करीब जो है 400 के आसपास है, लेकिन यहाँ पर जो भोजन करते हैं बच्चे मुश्किल से 100-150 बच्चे, कभी 50 बच्चे, कभी 37 बच्चे, कभी 70 बच्चे इस तरह से भोजन कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण लगता है? सर, ये जो शाला अभी प्रारंभ हुई है इसमें कुछ बच्चों को जैसे 8वीं कक्षा में कुछ बच्चे लगभग 37 बच्चे को सप्लीमेंट्री आई हुई है, अब वो बच्चे सप्लीमेंट्री एग्जाम दे चुके हैं और वो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। जब तक उनका परीक्षा परिणाम प्राप्त नहीं होता है तो वो स्कूल आने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, फिर भी हम संपर्क कर रहे हैं उनसे। वो नियमित रूप से भोजन क्या होगा सर? लगभग आज के 153 बच्चों ने भोजन किया है सर, जबकि 400 की उपस्थिति आपके पास आज की उपस्थिति कम है थोड़ी। सर, संख्या टोटल कितनी है और भोजन कितने बच्चों ने किया आज? ने 136 ने किया। अच्छा, आज की तारीख यदि हम प्राइमरी की बात करें सर, तो प्राइमरी में जो है यहाँ पर दर्ज संख्या कुल कितनी और कितने बच्चों ने भोजन किया आज की तारीख में? 128 दर्ज, और इतने बच्चों ने भोजन किया। और भारत मैदान में सर? 93। और भोजन कितने बच्चों ने किया? 93 सर। लेकिन यहाँ पर एक जो आप प्रश्न कर जो प्रश्न है उसमें कहीं ना कहीं आप कुछ रॉन्ग है। आधे से ज़्यादा बच्चों ने कहा कि हम जो है यहाँ पर भोजन नहीं करते क्योंकि हमको यह अच्छा नहीं लगता, रुचिकर भोजन नहीं होता, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? और बच्चे क्या है, छोटे बच्चे हैं थोड़े, घर पे उनको खाने को अलग और यहाँ का स्वाद अलग होता है, तो इसलिए थोड़ा सा खाने के लिए भी वो थोड़ा सा खाते हैं, छोड़ देते हैं।
लिया ही नहीं सर, टिफिन ही नहीं लिया उन्होंने, यानी वहाँ से घर से टिफिन लेकर के आए बच्चे, थाली नहीं ली उन्होंने, तो फिर वह संख्या कैसे लिखी गई? ऐसा नहीं, वो संख्या लिखी कैसे सर? फिर तो प्रेजेंट बच्चे के उनको का भोजन प्राप्त हुआ, उसके आधार पर बच्चों को बांटा भोजन। वही बुरहानपुर जिला पंचायत द्वारा मध्याह्न भोजन के लिए नियुक्त एनजीओ आदर्श धार्मिक पारमार्थिक एवं शिक्षण संस्था इंदौर को बुरहानपुर नगरी क्षेत्र में मध्याह्न भोजन संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए संचालक को खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया जा रहा है। वही प्राथमिक शाला के लिए 5.45 रुपए छात्र तथा माध्यमिक शाला के लिए 8.17 रुपए प्रति छात्र भोजन पकाने तथा उन्हें शाला भेजने के लिए निर्धारित किए गए हैं, लेकिन अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में ठेकेदार की अनियमितताएं सामने आई। यहां उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 87 थी, इतना ही संख्या भोजन करने वाले विद्यार्थियों की दर्शाई गई थी। यहां कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने कभी मध्याह्न भोजन नहीं चखा। प्रभारी ने यहाँ कोई रजिस्टर भी नहीं रखा है जिसमें भोजन चखने वाले शिक्षक हस्ताक्षर करते हैं। इतना ही नहीं, शिक्षक ने भोजन रजिस्टर में भोजन की संख्या और नाम भी गलत लिख दिया है। जब हमारी टीम भारत मैदान प्राथमिक शाला पहुंची तो विद्यार्थी एक साथ बैठे थे जिसमें अधिकांश बच्चों ने भोजन नहीं किया था। उनके अनुसार बताया गया कि बच्चे अपने घर से टिफिन लाते हैं और वही खा लेते हैं। जब हमारी टीम एकीकृत रसोई में पहुंची तो वहां साफ सफाई नहीं थी, जहां भोजन था वहां मक्खियां बैठी थी। इतना ही नहीं, खाना बनाने का तेल भी खुला उपयोग किया जा रहा था। इस संबंध में जब हमने शिक्षा जिला अधिकारी से संतोष से बात की तो उन्होंने स्कूलों और इंटीग्रेटेड किचन का भी औचक निरीक्षण करने की बात कही और व्यवस्था सुधारने के निर्देश देने की भी बात कही। जब हमारी टीम जिला पंचायत कार्यालय पहुंची तो जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी वहां मौजूद नहीं थे। वहीं कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने भी जांच का आश्वासन दिया। और बहुत कड़क भी होती है, तो बहुत कड़क होती है, अच्छा। खाई भी नहीं जाती। अच्छा। और कभी कभी जो पानी है ना पतला पतला कर सब्जी वाला। अच्छा। हाँ, सब्जी पतली पतली होती है। अच्छा, ये अच्छा नहीं लगता, यानी स्वाद नहीं होता भोजन में। आज की उपस्थिति टोटल कितनी है आज? 87। और खाने वाले बच्चों की संख्या आपने कितनी लिखी है? 87। तो पूरे बच्चों ने खाना खाया आज? नहीं, कुछ बच्चे नहीं खाते, जो हॉस्टल के बच्चे हैं नाश्ता करके आते हैं। तो फिर 87 बच्चों ने कैसे खाया आपने जो लिखा है? ऐसा क्यों लिखा आपने भाई? जब बच्चे नहीं खाए तो उतने बच्चे माइनस होना चाहिए थे, आपने क्यों लिखे? कितने बच्चों का भोजन आया था आज? चालीस का आया, तो फिर आपने 87 का लिखा इसमें। तो मैडम, कुल जो है स्ट्रेंथ कितनी है आपकी भारत मैदान की? भारत मैदान की 134 बच्चे हैं और आज की उपस्थिति हमारी 100 है। लेकिन देखा गया कि बहुत कम बच्चे जो है मध्याह्न भोजन लेते हैं, बाकी बच्चे मध्याह्न भोजन नहीं लेते। अधिकतर बच्चे तो रिसेस, जैसे छोटे रिसेस होते हैं ना, उस टाइम खा लेते, कुछ ना कुछ लाते, और विशेष भोजन में सभी बच्चे खाते हैं। तो वो बच्चों का कहना है कि हमारा रुचिकर भोजन नहीं आता और स्वाद वाला भोजन नहीं, इसलिए हम लोग नहीं खा रहे, ऐसा? वो बच्चों का लोग आउट है सर, अपन क्या बोल सकते हैं। यहाँ हालांकि हम रोज सकते हैं खाना, और उसके बाद ही उनको देते हैं बच्चों को खाने। जी, वो स्कूलों में जो बच्चे सही तरीके से खा नहीं पा रहे हैं, उनको बोलते हैं, उनका कहना है कि ये सही आ नहीं रहा है। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, खाना आप टेस्ट, आपको भी दिखाया भी मैंने सैंपल, आप यहीं पे आपने देखा भी जो बन के आया है वो हमने दिखाया कि देखो ये खाना है। दर संख्या भी में कुछ गड़बड़ी दिख रही है, जैसे नहीं ऐसी तो कोई ज़्यादा लिखे जा रहा है। नहीं ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, नहीं अब देखो हम भी बात करेंगे ऐसा क्यों है, बाकी खाना तो हम जितना मांगते हैं उतना दे के आते हैं पूरा। रुचिकर भोजन और साफ सुथरा भोजन स्व सहायता समूह के द्वारा दिया जाना निश्चित है। भोजन बच्चों को देने से पूर्व शिक्षकों के द्वारा चखा जाना है और गुणवत्तापूर्ण भोजन हो इसकी भी व्यवस्था की जाना है, और इसकी भी रिपोर्टिंग संबंधित स्व सहायता समूह को और वरिष्ठ अधिकारियों को किए जाने के निर्देश हैं। साफ सुथरा भोजन मिले
ये शाला के शिक्षकों को ही सुनिश्चित करना। सर जिस तरह से वहाँ पर बच्चों कहे जा रहे बच्चों के द्वारा कहा जा रहा है कि रुचिकर भोजन नहीं होने के कारण वे भोजन नहीं करते, और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ का जो भोजन है वो जब जो एकीकृत संस्था से जो बंद करा रहा है वो बहुत ही जो है वहाँ पर मक्खियाँ और अस्वच्छता की स्थिति निर्मित होती है। इसकी विजिट कर ली जाएगी, यानी जहाँ पर ये भोजन बन रहा है एकीकृत भोजन वहाँ पर साफ सुथरा माहौल मुहैया कराया जाएगा, और जो भोजन यदि गुणवत्तापूर्ण नहीं बन रहा है तो उसको गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे, और वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों के हिसाब से उसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। देखा जा रहा है कि बुरहानपुर में मध्यान्ह भोजन में जो है काफ़ी गड़बड़ी की बात सामने आ रही है, बच्चों को स्वाद नहीं मिल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी तो शिकायत नहीं आई है, लेकिन अगर आप बता रहे हैं तो कुछ अगर ऐसी बात है तो हम जाँच जरूर कराएंगे। तो ये सवाल आपके भी मन में आ ही रहा होगा कि अगर स्कूल में अच्छा खाना होता तो घर से बच्चे खाना क्यों लाते। अब देखना यह है कि स्कूल के बच्चे सरकार द्वारा दी जाने वाली मिड डे मील जैसी सुविधाओं से कब तक वंचित रहेंगे।